हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल आई एम पूनम दुआ फ्रॉम एमएंड एजुकेशन एकेडमी ऑफ लिटरेचर आई होप आप सब लोग बहुत अच्छी हेल्थ में होंगे लॉकडाउन पीरियड का एक प्रोडक्टिव यूज कर रहे हैं अपनी पढ़ाई करके तो आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं आज हम एक पोएट्री कवर करने जा रहे हैं द डिवाइन इमेज बाय विलियम ब्लेक दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एम एजी जीरो ब्रिटिश पोइट्री स्टूडेंट्स डिवाइन इमेज एक पोइट्री है जो कि 1789 में पब्लिश की गई थी विलियम ब्लेक के द्वारा इन इज बुक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस दिस इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज विद अ डिवाइन इमेज फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड इट वॉज लेटर इंक्लूडेड इन इज ज्वाइंट कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस दिस इज पार्ट ऑफ ब्लॉक सिक्स द रोमांटिक पोएट्स यूनिट ट्वेंटी एट विलियम ब्लेक्स पोएट्रीज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस विलियम ब्लेक का जन्म 28 नवंबर 1757 को हुआ था एंड ई डाइड ऑन ट्वेल्थ अगस्त 1827। ट्वेंटी सेवन ही वॉज इन इंग्लिश पोएट पेंटर एंड प्रिंट मेकर लार्जली रिमेन अनरेकोग्नाइज अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग हिस लाइफ टाइम बट नाउ कंसीडर्ड अ सिमिनल फिगर इन हिस्ट्री ऑफ पोइट्री एंड विजुअल आर्ट्स

पिटी पीस एंड लव और इसी के कॉन्प्ररी पोइट्री में ब्लेक ने मेंशन किया है क्रुआलिटी जेलिसी टेरर और सीक्रेसी को ब्लेक की पोइट्री 'द डिवाइड इमेज सेलिब्रेट करती है कुछ क्रिश्चियन वैल्यूज क्रिश्चियन वर्च्यूज को मुसी पिटी पीस एंड लव मैन बाय नेचर प्रोसेस दीज वर्च्यूज बट फेल्स टू रियलाइज इट a man can rise up to the level of god only if he realizes these inherent qualities in him to so, ek insan apne aap ko god ke level tak pahuncha sakta hai agar in values ko apne under inherent rakhe in values ko apne andar intact rakhe a divine image on the other hand tries to show the cruelty jealousy terror and secrecy as Abstract ideas from human beings. It is from the heart of human beings that cruelty comes. In poetry's title, it is important to note that even Blake's use of titles, The Divine Image in the Innocence Songs and A Divine Image in the Experience Version, suggests that Blake preferred the previous one, The Divine Image. तो हमारी पोइट्री है आज द डिवाइनी में जिसकी हम बात करेंगे इस पोइट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं विलियम ब्लेक ने क्या कहना चाहा है ही सेज वेन मैन इज डायरेक्टेड और गाइडेड बाई गॉड एंड वेन ही लिव्स अप टू द बेस्ट दैट इज विद इन हिज इनर सेंसेस और कोर ऑफ़ हार्ट वेन ही इज एक्सरसाइजिंग द डिवाइन क्वालिटीज ऑफ मोर्सी पिटी पीस एंड लव देन ही बिकम्स गॉड और ही टेक्स दी लेवल ऑफ गॉड ही टेक्स द्रॉन ऑफ गॉड तो कहीं ना कहीं ये पोइट्री कहना चाह रही है कि हर इंसान के अंदर ही भगवान है अगर हम अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को ही प्रैक्टिस करें तो तो दिस अर्थ इट्स कैन बिकम हेवन इफ वी प्रैक्टिस दिज क्वालिटीज मर्सी पिटी पीस एंड लव आइए आप इन क्वालिटीज का मतलब समझते हैं पिटी एक तरीके की फीलिंग ऑफ सिंपथी है एट द मिसफॉर्च्यून और सफरिंग ऑफ सम वन और समथिंग वैल मर्सी इज अ टेंडेंसी टूवर्ड्स फॉगिवनेस मर्सी में दया का भाव ज़्यादा छिपा होता है और पिटी में सिंपथी की फीलिंग ज़्यादा छिपी होती है पीस एवरीबडी नोज इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड स्टेट ऑफ पीरियड इन विच देर इज नो डिस्टर्बेंस नो वॉर पीस इज ट्रंक्वालिटी पूर्ण रूप से शांति ही पीस है नेक्स्ट लव लव को डिफ़ाइन करना शायद उस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है स्टिल आई ट्राई लव इज़ एन इंटेंस फीलिंग ऑफ डीप अफेक्शन अ फीलिंग ऑफ वॉर्म पर्सनल अटैचमेंट और डीप अफेक्शन फॉर साम्बडी इट कैन बी फॉर अ पेरेंट इट कैन बी फॉर अ चाइल्ड इट कैन बी फॉर अ फ्रेंड और एनी अदर रिलेशनशिप तो ब्लेक ने अपनी इस पोइट्री के थ्रू एक आइडिया को हमारे दिमाग में फिट करने की कोशिश की है दैट गॉड इज़ द एसेंस ऑफ ऑल दीज वर्च्यूज ऑल दीज क्वालिटीज अ मैन हु प्रोजेसेज द डिवाइन वर्चूज इज नो लेस देन गॉड गॉड्स अबाउट गॉड्स होम इज नॉट द हेवन सेज ब्लेक ही ट्विल्स ही स्टेज विद इन आर हार्ट भगवान कहीं और नहीं हमारे दिलों में ही बसते हैं एंड इफ अ मैन प्रैक्टिस दीज स्पेशल क्वालिटीज ऑफ मर्सी पिटी पीस एंड लव दीज क्वालिटीज़ आर द क्वालिटीज़ ऑफ गॉड दीज क्वालिटीज़ मेक अ मैन इक्वी वेलन टू गॉड प्लेक्सेज की ह्यूमन बींग्स बिल्कुल अनजान होते हैं बिल्कुल ऑप्लिवियस होते हैं टू दीज क्वालिटीज़ विच आर इनसाइड द हमारे अंदर ही भगवान छिपे होते हैं और हम भगवान को ढूँढ रहे होते हैं मंदिरों में मस्जिदों में या किसी भी रिलीजियस प्लेस में अमान हिम सिल्फ कैन राइज अप टू द लेवल ऑफ गॉड इफ ओनली ही रियलाइज द इनहेरेंट क्वालिटीज़ विद इन हिम आइए अब इस पोइट्री के स्टेंजाज को डिस्कस करते हैं दीज आर द फर्स्ट टू स्टेंजर्स रिटर्न ओवर हेयर इन द फर्स्ट टू स्टेंजर्स ब्रेक सेज पीपल इन ट्रावल प्रेज़ टू गॉड हुज एट्रीब्यूट्स आर मर्सी पिटी पीस एंड लव तो जब भी लोग परेशान होते हैं तो गॉड को प्रे करते हैं और गॉड के एटरीब्यूट्स को बताया गया मर्सी पिटी पीस एंड लव तो जब भी हम लोग प्रे करते हैं गॉड को तो शायद इन क्वालिटीज़ में से ही कुछ ना कुछ भगवान से मांगते हैं प्यार मांगते हैं पिटी मांगते हैं पीस मांगते हैं या मर्सी मांगते हैं दे आर ऑल्सो गिविंग थैंक्स टू गॉड फॉर हेल्पिंग दैम बट इन फैक्ट देर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन गॉड एंड मैन दिस इज़ वॉट ब्लेक एज एंड रियली गॉड एंड मैन आर द सेम इफ एवरी मैन एडॉप्टीज फोर क्वालिटीज इस दुनिया से किसी भी तरीके के क्राइम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे अगर हर इंसान ने इन चार क्वालिटीज़ को अडॉप्ट कर लिया तो दस फॉर ब्लैक मैन इज नॉट मेरली क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड बट मैन इज़ गॉड एंड गॉड इज़ मैन गॉड एंड मैन आर द सेम इन सो फार आर दीज एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड मोर्सी पिटी पीस एंड लव आर शेयर बाय गॉड एंड मैन बोथ अब बढ़ते हैं स्टेंजर्स थ्री एंड फोर की तरफ आप यहाँ पर ब्लू में लिखी हुई लाइंस को देख सकते हैं इन दीज स्टेंजर इन स्टेंजर्स थ्री एंड फोर लव इज वेरी क्लियरली वेरी अपेरेंटली गिवन द मोस्ट प्री डोमिनेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इट इज आइडेंटिफाइड विद द्यूमन फॉर्म डिवाइन द स्पीकर नाउ क्लेम्स दैट मर्सी पिटी पीस एंड लव आर ऑल्सो इक्वीव टू मैन ये सारी क्वालिटीज इंसान को बनाती है इंसान इन इं सब क्वालिटीज से मिलकर ही बनता है इट इज़ इन ह्यूमन्स दैट दीज क्वालिटीज़ फाइंड अ काइंड ऑफ एम्बॉडीमेंट ह्यूमन्स के अंदर ही ये क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं छिपी हैं ह्यूमन् की बॉडी का ही पार्ट है एंड दे बिकम रिकोगनाइजबल बिकॉज ऑफ देयर फीचर्स देयर हार्ट देयर फेस देयर बॉडी देयर क्लोथ्स एंड दीज आर बेसिकली ह्यूमन दीज क्वालिटीज आर बेसिकली ह्यूमन The four virtues are depicted by the author as essential not only in God but also in man, as mercy is found in the human heart, pity in human face, peace and love exist in the human form, in their body, in their dress, becoming the divine form and body of man and resembling God. <tries> is poetry ki exam that will be a पीस ऑफ केक फॉर यू इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है और जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उसको आप मेंशन कर सकते हैं इन चार वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके तो अब समराइज कर लेते हैं ये पोइट्री आके कहना क्या चाहती है दिस पोएम इज अ सिंपल स्टेटमेंट अबाउट द वे ह्यूमन बींग्स मेक देयर गॉड्स अपेरेंटली डिफरेंट बट एक्चुअली एम्बॉडिंग द सेम ह्यूमन ड्रीम्स सेम ह्यूमन डिजायर्स These four qualities, these four personified figures of mercy, pity, peace, and love can be easily identified everywhere in every human being. Living in the world of imperfections, human beings create these qualities specifically in moments of distress. तो ह्यूमन बींग्स हमेशा चाहते हैं कि गॉड हमें ये चार क्वालिटीज़ दे मर्सी पिटी पीस एंड लव जबकि इंसान ने सिर्फ इंसान को देखा इंसान ने भगवान को नहीं देखा है इंसान अगर अपने अंदर ही इन चार क्वालिटीज़ को अडॉप्ट कर ले तो शायद हमें डिस्ट्रेस होने की भगवान को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी शायद इस अर्थ से बुराई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी आई होप यू लाइक द वीडियो Please contact us to join our online or offline classes. Thanks a lot for watching. Best of luck for your exams. And please do not forget to share and subscribe the channel.